जोहार झारखंड, स्वागत है आपका आपके चहेते कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विषय में। दलहन उत्पादन में आई स्थिरता एवं बढ़ती जनसंख्या की खाद्य उपभोग को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं निरंतर बनाई जा रही हैं, और यह आप देख सकते हैं पिछले वर्ष जहाँ पे रबी के प्रमुख फसल गेहूं के अलावा दलहन की खेती पर जोर दिया गया, और इस वर्ष लगभग 38,000 हेक्टेयर में रबी के फसल उगाए जाएंगे, और सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। चूंकि दाल की खपत ज़्यादा है तो उसकी खेती से किसानों को मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा, तो किसानों के जीवन में हो रहे इस सकारात्मक बदलाव को आइए विस्तार में जानते हैं आज के इस अंक में। अरहर की दाल से कौन परिचित नहीं है, हिंदुस्तान के हर घर की रसोई में ये मिल जाएगी। हर उम्र के लोग यहाँ इसे बड़े शौक से खाते हैं। ये प्रोटीन का एक उत्तम और सस्ता स्रोत है जिसे शाकाहारी लोग भी खाने में प्रयोग करते हैं। अपने देश में जितनी इसकी आवश्यकता है उतनी इसकी उपज नहीं हो पाती, अतः पूरे देश में खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपना झारखंड भी इस कार्यक्रम से अछूता नहीं है। आत्मा संस्थान के द्वारा अरहर की खेती को बढ़ावा देने के लिए दलहन के कार्यक्रम सुदूर गांव तक पहुंचाए जा रहे हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के गाँव इसके जीते जागते उदाहरण है। बहरागोड़ा प्रखंड जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है, यहाँ के ज्यादातर किसान धान की खेती किया करते हैं। ये जिला धान उत्पादन के मामले में पूरे झारखंड में अव्वल दर्जा रखता है। विडंबना ये है कि यहाँ के किसान धान की खेती के अलावा अन्य खेती से दूर भागते हैं, अतः आत्मा संस्थान द्वारा इन्हें जागरूक कर अरहर की खेती की ओर भी मोड़ा गया है। फसलों में आई विविधता के कारण इनकी आमदनी बढ़ रही है। इसके अलावा इनकी थाली में प्रोटीन का उत्तम स्रोत उपलब्ध हो रहा है। इतना ही नहीं, अरहर की फसल लेने की वजह से इनके खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है। यहाँ के किसान अरहर की खेती से मिलने वाले चौतरफा लाभ से काफी खुश हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो दलहन कार्यक्रम चलता है उसके अंतर्गत बहरागोड़ा प्रखंड के कुमारडूगी पंचायत के तीन गांवों में जो कि किया झरिया, मालकुंडा और पाटपुर, ये तीन गांव हैं। यहां हम लोग 50 से 55 किसान हैं जिनको हम लोगों ने अरहर का बीज दिया था, और वो काफ़ी उत्साह के साथ अरहर का खेती कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहरागोड़ा प्रखंड का जो वाला एरिया है जो काफ़ी रुचि रखते हैं दलहन उत्पादन में, आने वाले दिनों में उनको उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधार होगी उसमें। बहरागोड़ा प्रखंड के किसान जो मुख्य रूप से धान की खेती किया करते हैं, वे अपनी ऊपरी भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं किया करते थे, अतः आत्मा संस्थान ने उन्हें वैसी भूमि पर दलहन की खेती करना सिखाया। इससे यहाँ के किसानों की भूमि का सदुपयोग तो हुआ ही, साथ ही साथ उनकी आमदनी भी बढ़ी। हम लोग तो बहरागोड़ा प्रखंड को जानते हैं कि वह धान का कटोरा माना जाता है, और वहाँ पर धान का अत्यधिक उत्पादन होता है। अभी जैसे हम लोग जो अगहनी धान हो तो होता ही, उसके अलावे जो समर का धान है वो उसके होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर किसानों को मोटिवेट करना जरूरी था कि वो सिर्फ चावल का ही खेती ना करें, बाकी जो उनका एरिया बच रहा है जिसको लोग ये जो मेड़ है या जो अपलैंड है उसको अगर उसमें दलहन का खेती करें तो उनको और ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। यहाँ के किसानों को खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके लिए उन्हें हर संभव मदद की जा रही है। दलहन में उनके फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्हें उन्नत किस्म के बीज भी मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इससे यहाँ के किसानों को अब दलहन की खेती से भी फायदा पहुँचने लगा है। यही वजह है कि यहाँ के किसानों का रुझान दलहन की खेती की ओर बढ़ने लगा है। हाँ, हम लोग मान सकते हैं कि उनकी रुझान बढ़ी है। और पहले ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं करते थे, करते थे, लेकिन अब हम लोग उनको उन्नत बीज दे रहे हैं और जिससे अधिक उनको फायदा पहुंचे, उत्पादन अधिक हो, इसलिए उनका रुझान इस ओर आया है। सुदूर क्षेत्रों के कारण बहरा गोड़ा प्रखंड में पहले किसानों को किसी तरह की सुविधा मिलनी मुश्किल होती थी। यहाँ के लोग दलहन की खेती के लाभ को नहीं समझते थे। आत्मा संस्थान ने जब उनकी समस्याओं को समझा तब उन्हें अरहर की खेती करने की सलाह दी। फिर यहाँ के किसानों ने कलस्तर बनाकर लगभग 40 एकड़ भूमि में अरहर की खेती की शुरुआत की। इन लोगों को फिर इससे इतनी उम्मीद जगी कि इस वर्ष उनकी खेती का रकबा 15 एकड़ और बढ़ गया। जिस तरह से उन्हें अरहर की खेती से मुनाफा हो रहा है, यहाँ के किसान इससे काफी प्रसन्न हैं। क्योंकि ये बहरागोड़ा का पूर्वांचल एरिया है और पूर्वांचल का सबसे अंतिम छोर है। इसके बाद आपका देखिए बंगाल स्टार्ट हो जा रहा है और 300 मीटर में ही बंगाल स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये लोग को सुविधा मिलने में बहुत दिक्कत होता था। तो एक बार एटिक भवन में किसान मित्र आके इसके बारे में जानकारी दिए कि हाँ सर, हम लोग के उधर में कुछ अरहर के या कोई भी पल्सेस का खेती के लिए उतना कोई जागरूक नहीं है। तो हम लोग बोले कि चलिए ठीक है, एक बार फील्ड विजिट करते हैं। फील्ड में आके देखे, फील्ड में आके देखने के बाद लगा कि ये क्षेत्र एक तरह से आप खुद भी देख रहे होंगे कि टाँड है, जो एक तरह से पड़ती ज़मीन जिसको बोला जाता है। तो पड़ती ज़मीन में क्या चीज़ का ये लोग खेती करेंगे, पहले जांच किया गया, सोयल टेस्टिंग भी हुआ, कुछ कुछ का, सबका तो नहीं हुआ, कुछ कुछ किसान का सोयल टेस्टिंग हुआ। तो सोयल टेस्टिंग में पता चला कि जो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का कमी है या इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसको लिए हम लोग बोले कि तुम लोग पल्सेस का खेती करो, दलहन का। तो दलहन में चूँकि ये टाँड़ ज़मीन है, एकदम ही टाँड है, इसमें पानी ठहराव भी नहीं है, तो अरहर का खेती के लिए सुझाव दिया गया। तो अरहर का खेती के लिए सुझाव दिया गया और बीते साल हम लोग ये लोग को अरहर का बीज मुहैया कराए विभाग से, NFSM से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से बीज का व्यवस्था किए। और बीज देने के बाद एक ये लोग एक दो एकड़ में पहले क्लस्टर मैंने छोटा सा खेती करते थे, कोई सरसों कर रहा तो कोई अरहर कर रहा, इस तरह का था। लेकिन वो डाइवर्सन को रोकने के लिए हम लोग क्या किए कि क्लस्टर बनाए, क्लस्टर बना के हम लोग अरहर का खेती स्टार्ट करवाएँ। और स्टार्टिंग 35-40 एकड़ का स्टार्टिंग लास्ट ईयर क्लस्टर बना। अब क्या हुआ, ये लोग चूँकि विभाग का जो बीज होता है फाउंडेशन सीड होता है, आधार बीज होता है, तो आधार बीज था। तो ये लोग को बताया कि जो भी खाना खा लो, जो भी बेचना बेच लो, लेकिन जो स्टार्टिंग फल है उसका कुछ बीज रख लो। तो स्टार्टिंग का बीज ये लोग रखे, रख के इस बार फिर से अरहर का खेती स्टार्ट किए। और इस बार का क्लस्टर जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल 15 एकड़ का क्लस्टर और बड़ा हो गया। ये लोग खुद का बीज से, इस बार विभाग से बीज नहीं दिए हैं, लेकिन खुद का बीज से जो लास्ट ईयर बीज दिए थे उस बीज से ये लोग अपना खेती किए और पिछला साल भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा आया, तो ये लोग बहुत खुश हैं। बहरागोड़ा क्षेत्र के किसान पहले दलहन की खेती से अपरिचित थे, इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। उनके भोजन में दाल का अभाव होता था, अतः इस क्षेत्र में दलहन की खेती की बहुत ही आवश्यकता थी। अतः खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इस क्षेत्र में दलहन की खेती की ओर लोगों को मोड़ा गया, उनकी फसलों का विविधीकरण किया गया। इससे अब उनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ यहाँ के किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। कुपोषण से लड़ने के लिए आपको पल्सेस का बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो, जिसमें आपका प्रोटीनियस फूड चाहिए, तो उसमें चाहे आप दूसरे में भी जा सकते हैं, फार्मिंग में भी, जैसे पोल्ट्री हो गया, पिगरी हो गया, गोटरी हो गया, किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन के लिए सबसे बेस्ट जो उपयोग है NFSM के तहत जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो पल्सेस है, इसीलिए हम लोग पल्सेस को इधर डाइवर्ट किए। आत्मा संस्थान जो दलहन की खेती में यहाँ के किसानों को सहयोग दे रहा है, उसने उन्हें सिर्फ अरहर की खेती करना ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें उसे बेचने का सही रास्ता भी दिखाया। इसकी वजह से यहाँ के किसान अरहर की खेती से लाभान्वित हो रहे हैं। चेंजिंग बोले तो सबसे पहला तो मार्केटिंग का चेंजिंग है। ये लोग बोलते थे कि सर, हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन भी करेंगे तो कहाँ सेल करेंगे, उतना घर में खा के खत्म नहीं होगा, तो करेंगे क्या।
तब हम लोग ये लोग को मार्केट लिंकेज के बारे में भी बताएं कि आप लोग ऐसा करिए कि अगर गवर्नमेंट का MSP रेट भी यहाँ पे पल्सेस में अच्छा है, अगर नहीं है तो आप लोग बगल में आपका सटा हुआ क्षेत्र बंगाल है, बंगाल में जाके सेल करिए, लेकिन प्रोडक्शन चालू करिए। एक बार आप लोग घुसिए, घुसने के बाद अगर अच्छा नहीं लगा अगला साल बंद कर दीजिए। लेकिन ये लोग को चूंकि बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पायर हुए, जिसके चलते देखिए कि जो क्लस्टर का एरिया है, क्लस्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। बहरागोड़ा प्रखंड के देवाशीष कोयला बताते हैं कि पहले उनके यहाँ अरहर की खेती नहीं होती थी। ये लोग थोड़ी बहुत मूंग दाल तथा कुल्थी की खेती करते थे। जब उन्हें खाद्य सुरक्षा मिशन की तरफ से अरहर के बीज उपलब्ध हुए, तब उन्होंने इसकी खेती की शुरुआत की। बीते एक साल पहले हम लोग यहाँ जो खेती करते थे, हम लोग मूंग दाल या कुल्थी भी करते थे, लेकिन हम लोग को बहरागोड़ा ब्लॉक से ATM BTM के द्वारा हम लोग को जो सहानुभूति मिला, उसके बाद हम लोग अरहर लोग भेज दिए हम लोग को, तो खाद्य सुरक्षा मिशन से हम लोग को जो मिला अरहर का, वही हम लोग यहाँ खेती किए। अभी वो इस बार भी हम लोग वही अरहर का काम कर रहे हैं सब। हम लोग किए थे नहीं, हम लोग अलग अलग चीज़ करते थे, लेकिन अरहर हम लोग को जो सुझाव दिया गया कि अरहर यहाँ का मतलब कि बढ़िया से बनेगा, वो उपज बढ़िया होगा, तो ATM BTM के द्वारा जो हम लोग सुने कि यहाँ अरहर का खेत करने से यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोग को मुनाफा मिलेगा, तो हम लोग मैंने बीते साल से कर रहे हैं। पहले हम लोग कहते हैं यहाँ मूंग और कुर्ती यही सब हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो डांगा जमी है, यहाँ तो पानी का कहीं बंदोबस्त नहीं, और जो ऊपर से जो पानी मिलता है उसी पर हम लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। अनिल कुमार कोयला का भी कहना है कि अरहर की खेती से उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है। उनका मानना है कि इसमें पानी की खपत भी कम होती है, इसलिए इन्हें सिंचाई में दिक्कत नहीं होती। दूसरी ओर इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। ये तो सर हम लोग का पानी जब नहीं बरसता है तो हम लोग का मूंग और ये कुर्ती हम लोग का होता नहीं, लेकिन ये तो 210 दिन का खेती है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता पानी नहीं होने से। पानी तो मिलता है पहले तो उसी में वो खेती हो जाता है। अरहर का फायदा होता है सर, इस बार हम लोग जैसे अरहर का खेती किए हैं, उसका जो पत्ता पड़ता है जमीन पर वो बहुत उर्वरक होता है, और दूसरे साल अगर हम लोग जब खेती करते हैं तो वहाँ से हम लोग का जो उर्वरक होता है, नाइट्रोजन मिलता है, ह्यूमस मिलता है, और जमीन बहुत उर्वरक होता है, दूसरा खेती करने भी हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता, हम लोग आसानी से हम लोग खेती कर पाते हैं। थोड़ा मुश्किल हुआ चूँकि देखिएगा आपकी इधर अधिकतम पठारी क्षेत्र है, तो सेगवान का खेती ये लोग करते थे। बोले सर सेगवान का खेती के अंदर हम लोग क्या कौन सा ये होगा, हम लोग बोले कि एक तरह से जैसे सब्जी भाजी में इंटरक्रॉपिंग होता है, उस तरह का आप लोग सेगवान का बीच में इंटरक्रॉपिंग करिए। आप लोग तो 10 फीट का दूरी रखे ही कि अंदर से चलिए पावर टिलर या कुछ चल जाए, तो उसके बीच में अरहर का खेती करिए, कोई नुकसान नहीं होगा और आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है खाने के लिए, जमीन को नाइट्रोजन मिल रहा है, तो आगे चल के उपज और अच्छा होगा, या इसके अरहर के अलावा भी कुछ आप कर पाइएगा जब आपका सेगवन का पेड़ बड़ा हो जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में आप अरहर लगाइए, तो कुछ कुछ पहले अवार हुए और अवेयरनेस थोड़ा समय लगा, क्योंकि किसान मित्र का थ्रू हम लोग फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं, तो होने के बाद ये लोग लगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं और स्टार्ट किए, और देखिए इस साल 40 से 65 आ गया है एकड़ में। इसी तरह से बहरागोड़ा प्रखंड के शिवशंकर विशाल बताते हैं, वो धान मूंगफली आदि की खेती तो करते ही हैं, लेकिन अरहर की फसल से उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है। वो बताते हैं कि अरहर की खेती का सकारात्मक प्रभाव उनकी दूसरी फसलों पर भी पड़ता है। वहाँ पर जितना भी आदमी है खेती ज्यादा करते हैं, धान और मूंगफली और अरहर। इस वजह गत साल तो अरहर दिए थे, मैंने वो तो ज़्यादा हम लोग को मुनाफा मिला, तो इस साल भी दिए मोटा मोटी, वो तो अरहर का खेती मोटा मोटी खूब हुआ, और वो जो अरहर के बाद जो मोटा मोटी होगा खेती करेगा वहाँ पर मूंग भी वो भी अच्छा होगा मोटा मोटी। अरहर नाइट्रोजन देता है और बहुत कुछ होता है, तो ये हम लोग का बहुत तकलीफ है क्या, ये जो खेती करते हैं ना, जो हमारा जो रास्ता है बहुत है, हमारा वहाँ से मतलब गाँव से मोटा मोटी 3 किलोमीटर दूरी है, वो माथा के ढोके ले जाने से बहुत मुश्किल होता है, तो रास्ता अच्छा होगा तो और हम लोग खेती ज़्यादा से ज़्यादा और उपज
ज़्यादा करेंगे। और हमारा वो जो मना ये तो बंगाल का बॉर्डर है, हमारा जो गांव है बंगाल का बॉर्डर में, वो प्रखंड भी थोड़ा दूरी पड़ता है और उधर से नेशनल हाईवे 7 किलोमीटर पड़ता है, वो जो रास्ता भी बहुत ख़राब है। इसलिए हम लोग का हम बोलते विभाग से, खाद्य सुरक्षा विभाग से भी बोलते हैं कि जो हम लोग का थोड़ा ध्यान दीजिए और से और ज़्यादा उपज निकलने का हम लोग कोशिश करेंगे। ये बताते हैं कि अरहर की खेती की वजह से आज इनके भोजन में प्रोटीन भी सम्मिलित हो गया है, इससे इनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। स्वास्थ्य के लिए मोटा मोटी होता है कि मैंने रोहर जो खेती करते हैं ना, वो हम लोग साल भर दाल खाते हैं, तो उसमें शरीर का ज़्यादा प्रोटीन मोटा मोटी होता है, मोटा मोटी स्वास्थ्य भी ज़्यादा होता है और जो बच्चा उच्चा कुछ पोषण भी बहुत दूर होता है, मैंने इसलिए रोहर खेती बहुत अच्छा है और रोहर खेती हम लोग और ज़्यादा करेंगे। ये जो रोहर जो दाल करने के लिए मशीन होता है ना, वो मशीन का अभाव है, तो हम लोग का ये चाकी जो है ना, वो चाकी में करते हैं, तो मशीन होगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा और भी ज़्यादा खेती करने होगा। बहुत तो मोटा मोटी कम से कम 50 एकड़ तो 40 एकड़ तो 50 एकड़ तो खेती हो गया हमारे गाँव में, तो मशीन एक दो हम लोग मतलब उधर अच्छा बंगाल जाना पड़ता है दाल भंगने के लिए, कम से कम 12 किलोमीटर है गोपालपुर। वो बताते हैं कि पहले इनके यहाँ शुरुआत में सिर्फ 2-4 किसान ही अरहर की खेती से जुड़े थे, वे सिर्फ 3-4 एकड़ में इसकी खेती किया करते थे। फिर जब से आत्मा संस्थान ने क्लस्टर के तहत इसकी खेती करवानी शुरू की, तब से गाँव में इसकी खेती का रकबा काफी बढ़ गया। इसमें मुनाफा देकर यहाँ के हर किसान इसकी खेती से जुड़ने लगे। देखिए जो हम लोग को मोटा मोटी शुरू करते ना, 2-4 आदमी मोटा मोटी एक होते हैं, 3-4 एकड़ मोटा मोटी खेती करते हैं, और वो भी जो हम लोग मोटा मोटी सरकार से मोटा मोटी ATM BTM से जो सहयोग मिला ना, तो हम लोग एक क्लस्टर बनाया, तो वो क्लस्टर बना के आज हम लोग 40 से 50 एकड़ जमीन हमारा गाँव में खेती बन गया, तो हम लोग बोलते हैं और दूसरा अगले साल और बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, ज़रा सा हम लोग का सहयोग कीजिए। अरहर की खेती से इस क्षेत्र में काफी बदलाव आ रहा है, एक ओर लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य की समस्या भी दूर हो रही है। उसमें भी बदलाव आया, उसे खाना पीना के लिए दाल का तो मिल गया, फिर इसका बेच करके थोड़ा बहुत जो पैसा मिला, इसमें घर में कोई जरूरत के सामान हो गया, तो इसमें से थोड़ा बहुत सुविधा ही मिला, तो कमाई होने से घर का भी तो खर्चा का ऊपर मेंटेनेंस होता है। हाँ, उत्सुक तो बहुत है, क्योंकि हम लोग समय समय पर टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, उसका बाद कौन सा स्टेज में, जैसे देखिए ये जो वैरायटी दिया गया था NDA2, इसमें क्या है 200 से 210 दिन का है अरहर, तो क्या हुआ कि बीच में बहुत सारा बीमारी भी लगता है, तो बीमारी के लिए हम लोग दवा भी उपलब्ध कराए, तो समय समय टेक्निकल सपोर्ट मिलना या तो फिर मेडिसिनल कुछ हेल्प मिलना, ये सब चीज़ ये लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ, तो धीरे धीरे करके ये लोग और ज़्यादा माने क्लस्टर बढ़ा रहे हैं। यहाँ के किसान पहले गरीबी के कारण आजीविका की तलाश में अन्य प्रदेशों में पलायन भी कर जाते थे, अब जब से यहाँ अरहर की खेती हो रही है तब से किसानों को इनके गांव पर ही आमदनी का जरिया मिल जाने से पलायन पर अंकुश लगना शुरू हो गया है। हाँ, यहाँ से बाहर भी जाते हैं, हमारा गांव गरीब टाइप का गांव है, वहाँ पर किसान बहुत है और मजदूर भी है। रुक जाएंगे। आने के समय में जो अब बाहर जाते हैं, मान लो हम लोग का वहाँ साधन मिल जाएगा काम करने के लिए, कमाई का कुछ साधन मिल जाएगा, तो उसको बाहर जाने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, वहीं पर वो कमा सकते हैं, उसका सब घर परिवार खिला पिला करके वो रह सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर तो चावल के मामले में कह लीजिए लीड कर रहा है, न केवल पूर्वी सिंहभूम को, पूरे झारखंड को और बंगाल से सटा हुआ एरिया है, और निस्संदेह अगर वहाँ पर हम लोग पल्स को का एरिया को बढ़ाएंगे तो किसान के बीच में एक डाइवर्सिफिकेशन वाली जो बात है वो उन तक पहुंचेगा। भारत में अरहर की खेती एक आवश्यकता है, देश दलहन की पूरी आवश्यकता स्वयं पूरी नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में इस ओर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक हो गया है। अरहर की खेती के वस्तुतः कई फायदे भी हैं
और इसमें विशेष सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। पुनः इसके पत्तों को खेतों में गिरने से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा इससे आमदनी भी अधिक होती है। आत्मा संस्थान ने पूर्वी सिंहभूम जिले में तो इसे प्रमाणित कर दिया है। लोग इससे अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं और इससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। विकास की एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।